फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET की वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितने वर्ष तक कर दी गई है? ए 8 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 12 वर्ष या डी आजीवन। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। निशा पूजा के साथ दुर्गा मंदिर में प्रतिमा का खुलापट भक्तों का लगाता था। नवगछिया अनुमंडल के सभी प्रखंड के विभिन्न दुर्गा मंदिर में शुक्रवार को मां दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठा के साथ निशा पूजा के साथ मंदिर में मां दुर्गा का पट खुलते ही श्रद्धालुओं का तांता लग गया। जय मां दुर्गे, जय मां अम्बे के जयकारों से मंदिर परिसर गुंजायमान हो गया। भजन सम्राट डॉक्टर हिमांशु मोहन मिश्र उर्फ दीपक ने बताया कि शनिवार को महाअष्टमी व्रत है, मां की डाली और खोइचा भरा जाएगा। शनिवार को संध्या आरती के बाद मंदिर में भव्य प्रदक्षिणा परिक्रमा का कार्यक्रम है। नवगछिया, दुर्गा पूजा को लेकर 67 स्थानों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस प्रतिनियुक्त। दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर नवगछिया अनुमंडल प्रशासन स्तर से सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। त्योहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर अनुमंडल के विभिन्न थाना क्षेत्र में 67 स्थानों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। त्योहार को लेकर 42 दंडाधिकारी एवं 66 पुलिस पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है। दुर्गा पूजा को लेकर नवगछिया थाना क्षेत्र में 9 स्थानों पर, गोपालपुर थाने में 5, रंगरा में 3, इस्माइलपुर में 2, कदवा में 2, टोलबज्जा में 2, परबत्ता में 2, खरीक थाना में 5, नदी थाना में 2, बेहपुर थाना में 4, झंडापुर ओपी में 3 एवं भवानीपुर नारायणपुर थाने में 3 स्थानों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। नवगछिया SDO अखिलेश कुमार ने कहा कि दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासनिक स्तर से सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। कोविड-19 के मद्देनजर पूजा के दौरान प्रशासन स्तर से जारी किए गए गाइडलाइन के अनुसार ही पूजा अर्चना करने की अपील की गई है। पूजा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, भीड़ नहीं लगाने एवं अपने को सुरक्षित रखते हुए पूजा करने की अपील की है। वहीं SDO ने विधि व्यवस्था को लेकर सभी संबंधित BDO CO को भ्रमणशील रहने का निर्देश दिया है। बिहार के विकास के लिए NDA है जरूरी, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार का मत स्पष्ट है। नीतीश कुमार को फिर से जनता CM के रूप में देखना चाहती है। बिहार में विकास NDA सरकार में तेज गति में हो रहा है, इसलिए NDA जरूरी है। राष्ट्र में हर फैसले का विरोध महागठबंधन करते हैं, जनता जानती है कि NDA को जिताना जरूरी है। भ्रष्टाचार से लड़ने वाले लोगों से ही विकास की उम्मीद कर सकते हैं। उक्त बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी भाषण में कहा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि NDA बिहार में तेजी से विकास कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के विकास के तत्पर है। परिवारवाद और जातिवाद करने वाले लोगों को जब मौका मिला तो उन्होंने अपने परिवार के लोगों को ही लूटने का काम किया है। हमने पूरे बिहार में सभी जाति धर्म के लिए काम किया है, क्योंकि पूरा बिहार हमारा परिवार है। जदयू मीडिया सेल जिला संयोजक रवि कुमार ने बताया कि गोपालपुर विधानसभा के गोपालपुर प्रखंड के धरारा कबूतरा स्थान, रंगरा प्रखंड के कालिया स्थान रंगमंच, इस्माइलपुर प्रखंड के चंडी स्थान रंगमंच, नवगछिया प्रखंड के मध्य विद्यालय साहू परबत्ता और बाल भारती स्कूल नवगछिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हजारों लोगों ने लाइव सुना। इस कार्यक्रम में जदयू जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा, भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद मंडल, गुलशन मंडल, पारसनाथ साहू, ज्ञान सख सिंह, हुलास सिंह कुशवाहा, अजय कुशवाहा, त्रिपुरारी कुमार भारती, अखिलेश सिंह, सुबोध शाह, रूपक पटेल समेत NDA के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। नवगछिया, भाजपा ने 6 नेताओं को किया पार्टी से निष्कासित। NDA प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे लोजपा प्रत्याशी का प्रचार कर रहे कुल 6 लोगों को भाजपा जिलाध्यक्ष ने 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। निष्कासित नेताओं में भाजपा नवगछिया ग्रामीण के मंडल अध्यक्ष संजीव सिंह, सवाना आजमी, छोटू सिंह भदौरिया, विजेंद्र शर्मा, नवीन सिंह, दीपक भगत शामिल हैं।
खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोर, स्टेशन के सामने, नवगछिया। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773-9403-67-170। 153 गोपालपुर विधानसभा, गोपालपुर विधायक के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन मामले में प्राथमिकी दर्ज। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के निवर्तमान विधायक जदयू प्रत्याशी नरेंद्र कुमार नीरज के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन के मामले में नवगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दर्ज प्राथमिकी के सूचक ग्रामीण कार्य विभाग नवगछिया के कनीय अभियंता ब्रजेश कुमार सिंह ने लिखित आवेदन देकर कहा है कि अभ्यर्थी नरेंद्र कुमार नीरज ने 14 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने के बाद गेट संख्या 1 से निकलते हुए अपने समर्थकों के साथ नारेबाजी की और आचार संहिता का उल्लंघन किया। नवगछिया पुलिस मामले की प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। 153 गोपालपुर विधानसभा, राष्ट्रीय जनता दल चुनावी कार्यालय का हुआ उद्घाटन। राष्ट्रीय जनता दल नवगछिया के नगर कार्यालय का उद्घाटन वरिष्ठ समाज सेवी अधिवक्ता योगेंद्र यादव के हाथों संपन्न हुआ। दूसरी तरफ ढोलबजा में महागठबंधन समर्थित गोपालपुर विधानसभा के राजद प्रत्याशी शैलेश कुमार ने चुनावी कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान सिकंदर यादव, अब्दुल गफ्फार, मुक्ति यादव, मनोज यादव सहित कई अन्य उपस्थित थे। 153 गोपालपुर विधानसभा, लोजपा प्रत्याशी ने रंगरा में किया सघन जनसंपर्क। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी सुरेश भगत ने शुक्रवार को मुरली, बनिया, बैसी, जहांगीरपुर, बैसी गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। जनसंपर्क अभियान के क्रम में उन्होंने कहा कि उनके आदर्श श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है कि अगर आपने भरोसा किया तो ढोलबजा को प्रखंड और नवगछिया को पूर्ण जिला बनाऊंगा। श्री भगत ने कहा कि वर्ष 2020 में बिहार के राजनीतिक हालात बदलने की जरूरत है, इसलिए लोजपा का समर्थन कर चिराग पासवान के हाथों को मजबूत करें। वहीं इस अवसर पर भाजपा के पूर्व मीडिया प्रवक्ता विजेंद्र शर्मा, विभांशु मंडल, बाबा गन्ना सेवा समिति के अध्यक्ष पंकज कुमार भारती, नवीन निराला, धर्मेंद्र गुप्ता, सौगंध शाह, सौरभ सावर्ण सहित कई अन्य मौजूद थे। ढोलबज्जा भगवती मंदिर में 69 साल से हो रही पूजा। भगवती मंदिर ढोलबज्जा में 69 साल से माता की पूजा कलश स्थापित कर की जाती है। 1951 ईस्वी में विश्वनाथ भगत ने ग्रामीणों की मदद से मोहन भगत की जमीन पर मंदिर का निर्माण करवाया था। ग्रामीणों का कहना है कि जो भक्त सच्चे मन से माता के दरबार में आकर आराधना करता है उनकी मनोकामनाएं माता पूर्ण करती है। इस मंदिर में माता भगवती की सिर्फ कलश स्थापित कर पंडितों द्वारा वेदोच्चारण के साथ पूजा पाठ की जाती है। यहाँ माता की पूजा वैष्णवी रूप में होती है। कभी भी यहाँ बलि प्रथा नहीं चली है। नवरात्रि से ही इलाके में श्रद्धालु भक्तों माता भगवती की संध्या आरती में भाग लेते हैं। वहीं प्रतिदिन संध्या में ग्रामीण मंडल द्वारा कीर्तन भजन का भी आयोजन होता है। हर साल नवमी व दसवीं के अवसर पर वहां के कलाकारों द्वारा नाट्य कला की भी प्रस्तुति होती थी, जो इस वर्ष नहीं होगी। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, सीसम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज, त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा, कुर्सी, टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध हैं। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079 7549688888। उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773-9403-67-170।